नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट जॉब सेक्शन के बारे में। और यदि आप देश की सेवा करना चाहते हैं, यदि आप इंटरेस्टिंग हैं कहीं ना कहीं साइंटिस्ट बनने में, तो ये जॉब आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी सैलरी आपकी लमसम आपको बताऊं तो 80,000 या उससे भी अबो स्टार्टिंग सैलरी आपकी होने वाली है। और यदि मैं आपको लेवल के अनुसार बताऊँ, लेवल 10 है, उसके साथ में 7th पे कमीशन के अनुसार आपकी सैलरी, आपकी जॉब स्टार्ट होगी। और यदि आप फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, मैथमेटिक्स से, साइकोलॉजी से यदि आपने अपनी क्वालिफिकेशन कर रखी है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन यदि आपने इन सब्जेक्ट से कर रखी है, या फिर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है किसी IIT से, NIIT से, किसी भी इंजीनियरिंग डिग्री से, तो भी आपके लिए बेहतरीन और ये सुनहरा मौका है। आज बगैर किसी भी प्रकार की देर करते हुए इसको शुरू कर लेते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, कैटेगरी बी के अंदर ये पोस्ट आती हैं, तो ये वीडियो आपको शुरू से आखिर तक जरूर देखना चाहिए और आपको बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा चांस यहाँ पर मिलेगा। हाँ, यहाँ पर आपका गेट स्कोर होगा तो आपको बेहतरीन मौका मिलेगा। यदि आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है तो भी आपको यहाँ पे बेहतरीन मौका मिलेगा। और यदि आपने अभी तक नेट क्वालिफाई नहीं कर रखा है तो मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस वाले एग्जाम में अपीयर होने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, उसको आप सबमिट कर सकते हैं। और यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं तब भी आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऐसी हैं, उसको आप स्किप कर देंगे यदि मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो इसको पूरा जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये हमारी स्क्रीन पे कुछ वैकेंसी हैं, जैसे कि आप देखोगे फिजिक्स की हैं, केमिस्ट्री की, केमिकल इंजीनियर की, एयरोनॉटिकल इंजीनियर की, और उसके बाद मैं थोड़ा सा नीचे आपको दिखाऊं तो इसमें मिलेंगे मैथमेटिक्स की, सिविल इंजीनियर की, साइकोलॉजी की कुछ वैकेंसी हैं। आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि ये किस डिपार्टमेंट के अंदर हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मैंने पहले ही उसको हाईलाइट कर दिया है। येलो सा कलर जो आपको दिखाई दे रहा है ये हाईलाइटेड है। चलो इसको देख लेते हैं कि किस डिपार्टमेंट के अंदर ये हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये है रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेंटर RAC, लखनऊ रोड और तिमारपुर दिल्ली के अंदर। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये DRDO की वैकेंसी हैं। यहाँ पे आप साइंटिस्ट की पोस्ट पे जाएंगे और ये ग्रुप बी के अंदर ये वैकेंसी आती हैं। इसकी लास्ट डेट बहुत इम्पोर्टेंट है और वो है 10 जुलाई 2020। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी मैंडेटरी है, ये यहाँ पे मांगा गया है। टोटल जो वैकेंसी की बात करें तो ये वैकेंसी हैं आपके सामने 167। ये इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ पे यदि आप एडवर्टीजमेंट नंबर की बात करेंगे 137 है। जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैंने इस प्रकार से हाईलाइट कर दी है, परंतु सबसे पहले हमें देखना होगा कि DRDO की साइट क्या है। DRDO.gov.in ये साइट है। यदि आप इस पे जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से जा सकते हैं, और यदि आप RAC की साइट पे जाना चाहते हैं तो RAC.gov.in की साइट पे जा सकते हैं। ये RAC है क्या? ये रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेंटर है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि जैसे स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग और हैव अपीयर इन फाइनल ईयर एग्जामिनेशन, यानी कि यदि आप फाइनल ईयर एग्जामिनेशन में हैं, आपके पेपर नहीं हुए हैं, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप साइंटिस्ट की पोस्ट पे जाएंगे जो ग्रुप बी के अंदर आती है, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। आपकी सैलरी कितनी होगी? 10वें लेवल के अनुसार, 7th पे कमीशन के अनुसार आपकी सैलरी मिनिमम, यानी कि जो स्केल है आपका, वो 56,100 रुपये से शुरू होगा। और आपकी टोटल, यानी कि यदि हम लमसम सैलरी की बात बताएं तो आपकी 80,000 के आसपास आपकी सैलरी हो जाएगी। परंतु यहाँ पे ये भी मेंशन कर रखा है कि मेट्रो सिटी का ये रेट है। अब ये मेट्रो सिटी का रेट की बात क्या है? मेट्रो सिटी का रेट की बात इसलिए की जाती है कि इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे मेट्रो सिटी के अंदर जो आपका HRA होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, जबकि आप नॉर्मल यदि किसी एरिया के अंदर हैं वहाँ पे 8% है, और सबसे महंगे शहर के अंदर, मेट्रोपॉलिटन के अंदर हैं, तो आपका 24% यहाँ पे आपका HRA बनता है। इसलिए इसकी बात यहाँ पे की गई है। उसके बाद में बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन बता रखी हैं कि किस प्रकार से आपका चाहिए। मैं यहाँ पे सीधा आपको लेके चलूँगा यहाँ पे, यानी कि पॉइंट नंबर 1 पे। देखिए यहाँ पे 3 प्रकार के पार्ट हैं, यानी कि पार्ट 1 3 डिसिप्लिन है, पार्ट 2 8 डिसिप्लिन है, और पार्ट 3 के अंदर 1 डिसिप्लिन है। ये टोटल जो डिपार्टमेंट है, यानी कि 3 सब्जेक्ट में पोस्ट यहाँ पे हैं, 8 सब्जेक्ट में पोस्ट यहाँ पे हैं, और 1 सब्जेक्ट के अंदर पोस्ट यहाँ पे हैं। ये इस प्रकार से अलग अलग दिखा रखा है।
यहाँ पे जो आपको ज़रूरत पड़ेगी वो वैलिड गेट स्कोर की पड़ेगी और या फिर यूजीसी नेट की ज़रूरत आपको यहाँ पे पड़ेगी। चलिए इसको थोड़ा सा बारीकी से जान लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसको अप कर लेता हूँ और हम पहुँच जाते हैं डायरेक्ट यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर में। यहाँ पे आपको फर्स्ट क्लास डिग्री आपके पास इंजीनियर की होनी चाहिए या फिर टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इक्विवेलेंट आपके पास होना चाहिए। वैलिड गेट स्कोर की बात कर रहा था मैं, 80% एग्रीगेट मार्क्स आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिग्री में होने चाहिए यदि आपने IIT से या फिर NIIT से कर रखा है, तो ये बात आप बिल्कुल याद रखें। उसके बाद में ये दे रखे हैं डिपार्टमेंट, यदि आपने इनमें से किसी एक में भी कर रखा है तो आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियर के पोस्ट के लिए साइंटिस्ट बी के लिए आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये है। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट पे और ये है हमारे सामने मैकेनिकल इंजीनियर की। मैकेनिकल इंजीनियर के अंदर यदि आप देखेंगे तो आपकी क्वालिफिकेशन वही सेम फर्स्ट क्लास डिग्री आपके पास होनी चाहिए, वैलिड गेट स्कोर और 80% मार्क्स आपके होने चाहिए यदि आपने IIT या NIIT से कर रखा है तो। इसके बाद में ये दे रखे हैं अलग अलग पिन पॉइंट कि आपने किस किस सब्जेक्ट के अंदर कर रखी है तो आप मैकेनिकल इंजीनियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आती है आपकी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियर की। यहाँ भी आपको फर्स्ट डिग्री चाहिए यानी कि फर्स्ट क्लास डिग्री, गेट स्कोर आपको चाहिए वैलिड और 80% आपके एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए IIT या NIIT से। और ये दे रखे हैं सब्जेक्ट जिनके अंदर आपकी क्वालिफिकेशन हो तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में चलते हैं पार्ट टू पे। जैसा मैंने आपको बताया था पार्ट टू में 8 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पे वैकेंसी मांग रखी है और यहां पे आपका जो इंटरव्यू होगा यानी आपका जो सिलेक्शन होगा वो वैलिड गेट स्कोर के माध्यम से होगा और पर्सनल इंटरव्यू के साथ होगा। इसके अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और यहाँ पे फर्स्ट क्लास डिग्री आपकी मांग रखी है इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जो इलेक्ट्रिक इंजीनियर है और वैलिड गेट स्कोर मांग रखा है आपका। और वैलिड गेट स्कोर इसलिए मांग रखा है कि क्योंकि इसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होना है। ये दे रखे हैं डिपार्टमेंट, इनके अंदर से आपने यदि सब्जेक्ट में से इनमें से किसी एक में से कर रखी है तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में है मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस के लिए आपको फर्स्ट क्लास डिग्री की ज़रूरत है और यहाँ पे वैलिड गेट स्कोर की भी ज़रूरत है और ये सब्जेक्ट एरिया यहाँ पे दे रखा है। थोड़ा सा नीचे चलते हैं और ये नीचे जब हम जाएंगे तो हमें मिलेगा फिजिक्स का। और फिजिक्स के अंदर जैसे मैं पहले भी आपको दिखा रहा था, फिजिक्स में यदि आपने कर रखा है तो आपकी मास्टर डिग्री फिजिक्स के अंदर यदि है और आपके पास वैलिड गेट स्कोर है तो यहाँ पे फिजिक्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स के अंदर भी यदि आपने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर इनमें से किसी एक में कर रखा है जैसे इंजीनियरिंग फिजिक्स में, फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसी के बाद में है इसी प्रकार से केमिस्ट्री दे रखा है, यहाँ भी आपने फर्स्ट डिग्री होनी चाहिए आपकी केमिस्ट्री में, वैलिड गेट स्कोर आपका होना चाहिए और ये दे रखे हैं आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट यदि आपने इनमें कर रखी है। उसके बाद में केमिकल इंजीनियर दे रखा है, केमिकल इंजीनियर के अंदर भी आपको सेम वही क्वालिफिकेशन चाहिए और ये दे रखे हैं सब्जेक्ट। फिर एयरोनॉटिकल इंजीनियर दे रखा है, उसके अंदर भी आपकी फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए इंजीनियर में या एयरोनॉटिकल इंजीनियर में, वैलिड गेट स्कोर आपका होना चाहिए और ये दे रखे हैं आपके सब्जेक्ट। इसके अंदर यदि आप क्वालिफाई हैं तो आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद में है यहाँ पे मैथमेटिक्स का और मैथमेटिक्स के अंदर आप देखेंगे तो फर्स्ट क्लास डिग्री आपको चाहिए मैथ्स के अंदर और यदि आपने मैथमेटिक्स से, अप्लाइड मैथमेटिक्स से, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग से आपने कर रखा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वैलिड आपका गेट स्कोर चाहिए। उसके बाद में सिविल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर के अंदर भी आपको सेम क्वालिफिकेशन इससे रिलेटेड चाहिए और ये आपके दे रखे हैं सब्जेक्ट। उसके बाद में यदि थोड़ा सा नीचे जाएं तो यहाँ पे दे रखा है साइकोलॉजी का और साइकोलॉजी बेहद इंपॉर्टेंट, ये पार्ट थ्री के अंदर आता है। यहाँ पे आपको UGC नेट यानी कि नेट क्वालिफिकेशन आपकी चाहिए और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे फर्स्ट क्लास डिग्री की आपको ज़रूरत है साइकोलॉजी में। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, ऊपर की जितनी भी पोस्ट मैंने दिखाई है यदि आप फाइनल ईयर के अंदर हैं, आपके एग्जाम नहीं हुए हैं और आप एपीयर कैंडिडेट हैं तो भी आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं, ये छूट यहाँ पे दी गई है।
यहाँ पे नेट की बात कर रखी है कि क्वालिफाइड होना चाहिए नेट एग्जाम में और असिस्टेंट प्रोफेसर इन साइकोलॉजी में, जो आपकी एलिजिबिलिटी योग्यता होती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए साइकोलॉजी में, वो सारी क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। परंतु यदि कैंडिडेट नेट के एग्ज़ाम नेट 2020 में अपेयर होना चाहता है और उसका पेपर जैसे हुआ नहीं है कोरोना के कारण, तो भी वो यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकता है। परंतु उसको ये वादा करना होगा कि जैसे ही नेट का रिजल्ट आ जाएगा 2020 का, तो 15 दिन के अंदर वो अपना डिक्लेरेशन, यानी कि जो यूजीसी क्लियर कर लेगा, नेट के क्वालिफाई कर लेगा, उसका सर्टिफिकेट अपलोड कर देगा और वहाँ पे पहुँचा देगा। इस आधार पे वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे यदि आप सब्जेक्ट देखेंगे तो इन सब्जेक्ट्स के अंदर में से आपने किसी में से भी कर रखा हो तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे बता रखा है कि साइकोलॉजी का मतलब क्या है, कि आपका जो सिलेक्शन बोर्ड सेंटर है वो आर्मी हेडक्वार्टर, नेवी हेडक्वार्टर, एयरफोर्स हेडक्वार्टर के अंदर है। आपकी जो नॉन ट्रांसफरेबल जॉब है वो आपकी इस्टेब्लिश की जा सकती है DRDO के अंदर। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलते हैं और नीचे जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि हाईलाइट कर रखा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो बता रखा है कि यदि आप फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर के अंदर आपके एग्जाम नहीं हुए हैं और आपका डिग्री प्रोविजनल डिग्री 31 अगस्त 2020 तक यदि आ सकती है तो आप फॉर्म यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में कैंडिडेट्स हैविंग देयर एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिग्री फॉर यूनिवर्सिटी, यानी यदि आपने विदेश से पढ़ाई कर रखी है तो इंडिया के अंदर जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी दिल्ली है वहाँ पे आपको सबमिट करना होगा 31 अगस्त 2020 से पहले सर्टिफिकेट, जो वेरीफाई करवाने की बात यहाँ पे की गई है। तीसरा जो पॉइंट है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसे हो सकती हैं कि जिन्होंने मेंशन ना कर रखा हो, और वो मेंशन क्या ना कर रखा हो कि किस प्रकार से कितने मार्क्स उसके आते हैं, यानी कि CGPA स्कोर हो सकता है यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर कर रखा हो। जहाँ पे CGPA स्कोर डिक्लेयर कर रखा है और यूनिवर्सिटी ने अपनी तरफ से कोई स्केल नहीं बताया है, और यदि उनका स्केल 10-point स्केल है तो 6.75 से आप समझ लें, यानी कि 6.75 जिसका स्कोर आया है वो 60% समझ लें कि उसके मार्क्स यहाँ पे 60% आ गए हैं। और उसके बाद बता रखा है कि 3 out of total वैकेंसी DRDO की जो रिजर्व हूँ वो PWD के लिए रिजर्व दे रखी हैं। अब चलते हैं हम और इम्पोर्टेंट सेक्शन पे और थोड़ा सा नीचे, कि आपकी किस प्रकार से एकेडमिक क्वालिफिकेशन, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा वहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यदि हम क्वालिफिकेशन की बात करें Part 1, 2 और 3 के अंदर ये बता रखा है। Part 1 के अंदर क्या बता रखा है कि आपका Part 1 और 2 के अंदर वैलिड गेट स्कोर आपका होना चाहिए, परंतु Part 1 के अंदर आपका एक टेस्ट होगा, Part 2 के अंदर सीधा आपका गेट के स्कोर के आधार पे सिलेक्शन होगा प्लस इंटरव्यू होगा, और तीसरे में नेट होगा आपका प्राइमरी जो नेट का स्कोर, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा। इस प्रकार से आपका सिलेक्शन यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे एज की बात कर रखी है, जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से आता है उसकी मैक्सिमम एज 28 साल है। OBC के अंदर जो बात याद रखें कि नॉन क्रीमी लेयर के अंदर है उसकी 31 साल, और सुप्रीम कोर्ट कहाँ से याद आ गया मुझे, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की बात है वहाँ पे 33 साल तक यहाँ पे एज की बात बता रखी है। उसके बाद में है नेशनलिटी, यहाँ पे बात ये भी याद रखें कि यदि आप इंडियन सिटीजन हैं तभी आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं, नेपाली यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और कैंडिडेट को ये एडवाइस दी जाती है कि जब वो फॉर्म अप्लाई करे तो अपनी एक कॉपी ऑनलाइन रिक्रूटमेंट जिस पे आप अप्लाई करते हैं वो अपने पास ज़रूर रख लें, क्योंकि बाद में उसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स की बात की गई है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको भेजने हैं, सेल्फ टेस्टिंग सर्टिफिकेट भेजने हैं, फाइनल रिजल्ट की कॉपी भेजनी है, इसके साथ में और जो चीज़ भेजनी है आपको वो है सिलेक्शन के बारे में। मैं ये थोड़ा सा बारीक कर देता हूँ क्योंकि इसका जो पिन पॉइंट है, पेन का साइज़ है, वो थोड़ा सा बढ़ गया। तो यहाँ पे देखिए कि फाइनल सिलेक्शन के बारे में बात है कि कैंडिडेट्स का जो Part 1 है सिलेक्शन क्राइटेरिया में वो 80% वेटेज है जो मार्क्स उसके डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में आएंगे उस पे आधारित, और 20% उसके पर्सनल इंटरव्यू पे, यानी कि जो Part 1 के अंदर अप्लाई कर रहे हैं 80% आपका सिलेक्शन होगा जो आपका टेस्ट होगा उसके आधार पे। ये भी मैं बताऊंगा कितने नंबर का टेस्ट होगा और कैसे होगा। और दूसरे नंबर पे गेट के स्कोर के आधार पे 80% वेटेज दी जाएगी आपके गेट के स्कोर की, और 20% आपका इंटरव्यू के आधार पे। और तीसरे के अंदर 80% वेटेज आपको नेट के आधारित पे, यानी कि नेट के जो मार्क्स आएंगे, और 20% जो वेटेज है वो पर्सनल इंटरव्यू के आधार पे आपका होगा। वैसे तो लास्ट डेट की हम बात कर चुके हैं पहले भी, ऑनलाइन सबमिशन है आपका 10 जुलाई 2020 को शाम के 5 बजे,
टाइम के अनुसार आपका क्लोज हो जाएगा। तो फिर भी एक बार ये रिवाइज करने वाली बात थी, मैंने इसको दोबारा से रिपीट कर दिया है। और यहाँ पे अब हम चलते हैं कुछ और चीज़ों पे, और वो दे रखे हैं आपके फाइल के साइज़ के बारे में। आपकी 500 KB से ज़्यादा आपका साइज़ नहीं होना चाहिए। जो आप पासपोर्ट साइज़ आपका फोटोग्राफ होगा उसका आपका साइज़ 30 KB का होगा और 110x140 pixels इसका साइज होगा। स्कैन आपका जो कैंडिडेट के सिग्नेचर होंगे उसका एक सैंपल आपको भेजना होगा। नेट सर्टिफिकेट या फिर आपका गेट का जो वैलिड स्कोर है वो आपको यहाँ पे भेजना होगा। आपको सारे प्रोविजनल डिग्री वगैरह, यदि आपका रिजल्ट अभी पेंडिंग है तो 31 अगस्त 2020 तक आपको ये कॉपी भेजनी होगी। एश्योर करना होगा कि 31 अगस्त 2020 तक हमारा रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे नेट के लिए छूट जरूर है कि यदि आप नेट के लिए अप्लाई करते हैं, जब भी नेट जून 2020 का रिजल्ट आता है तो उसके बाद 15 दिन तक आप अपनी कॉपी यहाँ पर भेज सकते हैं। तो ये यहाँ पे छूट जरूर दी गई है। उसके बाद में एप्लीकेशन फ़ीस की बात है, और वो है कि 100 रुपये फ़ीस लगेगी यदि आप जनरल कैटेगरी EWS और OBC से हैं, और यदि आप SC ST और PWD कैंडिडेट हैं या फिर आप महिला हैं तो आपको किसी भी प्रकार की यहाँ पे फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वो उसके लिए दे रखी है कि पहला जो यानी कि पार्ट वन के अंदर जो आपका एग्जामिनेशन होगा उसके बारे में बता रखा है कि 2 पेपर होंगे, डिस्क्रिप्टिव टाइप के होंगे, 300 नंबर के जो होंगे और 2 सेशन में होंगे जिसका टाइम 3-3 घंटे होगा। इसका सेंटर वैसे तो कॉमनली बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कानपुर, कोलकाता और पुणे में होता है, परंतु यदि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ जाते हैं तो बाकी अदर सिटी के अंदर भी ये हो सकता है। डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन कब होगा, ये अक्टूबर 2020 में होगा, परंतु ये लाइकली है, मतलब यदि कोरोना इसी प्रकार बढ़ता रहा तो आगे पीछे भी हो सकता है, इसकी संभावना यहाँ पे जरूर बनती है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने जो आपको दी है ये साइंटिस्ट बनने का एक सुनहरा मौका है। और यदि आप इंटरेस्टिंग हैं देश की सेवा करने में, या फिर आप जाना चाहते हैं किसी प्रकार से साइंटिफिक पोस्ट में, पर्टिकुलरली हमारे देश की सेवा के लिए बहुत ही सुनहरा मौका ये है। और उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसी के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। हाँ दोस्तों, एक हमारा दूसरा चैनल भी है, आप DBlog को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। इसके साथ में हमें Instagram और Facebook पर भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।